अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। लेक्चर नंबर 36। देर आर मैनी मैथड्स और टेक्निक्स विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। यानी कि हमने अगर एक भी बेस, कोई भी नंबर हो, उसको हमने दूसरी बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस तरह की टेक्निक्स हैं और किस तरह की हमारे पास मेथड्स हैं। अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल, अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल, शॉर्टकट मेथड्स हैं डिफरेंट किस्म के। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, शॉर्टकट मेथड्स ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हो तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और शॉर्टकट मेथड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी नंबर को किस तरह से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट मेथड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अगर हो तो उसको हमने किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये सब हम इसके अंदर आज देखेंगे इसके डिफरेंट मेथड्स के साथ। स्टेप वन इज डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। दिस डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द डिजिट एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेसिकली हम इसके अंदर देखेंगे कि पोजिशन वैल्यू क्या है हर डिजिट के बारे में, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो क्या नंबर सिस्टम जो है उसकी क्या बेस है उस पर डिपेंड कर रही है, कौन सी बेस पर डिपेंड कर रहा है, हम इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट स्टेप में ये देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में जो देखेंगे वो ये है कि मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यूज़ इन स्टेप वन बाय डिजिट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यानी कि फिर हमने मल्टीप्लाई करना है कि कॉलम्स वैल्यू के अंदर, जैसे कि स्टेप वन के अंदर करना है, उसको देखते हुए हमने कॉलम्स को देखना है, उसके डिजिट्स को देखना है। स्टेप नंबर 3 है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड इन स्टेप, द टोटल इज़ द वैल्यूटेड वैल्यूएंट इक्विवेलेंट वैल्यू इन डेसिमल। यानी कि हमने पहले सम करना है वो प्रोडक्ट का, और डिफरेंट जैसे स्टेप 2 में बताया गया है, और फिर इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी डेसिमल के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि किसी भी नंबर के अंदर हम इजीली किसी भी बेस को डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से परफॉर्म करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर ये दिया हुआ 111, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने स्टेप वन ये कि 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2�³ प्लस 1 × 2⁪ प्लस 0 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁰। और ये जो है ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2⁴ जो होती है वो 16 होती है, 2³ 8, 2² 4, 2² 1 2 होती है, बट यहाँ पर 2 × 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आंसर 0 हो जाएगा। फिर 1 × 2⁰, यानी कि 2⁰ जो है 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 × 1 करेंगे तो आंसर 1। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है अदर बाइनरी सिस्टम टू नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी कि अगर कोई भी बाइनरी, कोई भी बेस सिस्टम है उसको हमने कोई भी नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह करेंगे। कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम सो ऑब्टेन द न्यू बेस नंबर। सबसे पहले हमने जो भी वैल्यू आई है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और फिर हमने फिर वो न्यू बेस बनेगी, यानी उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जैसे कि अब ये ऑक्टल नंबर है, इसके अंदर ये कि हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो इसके अंदर जब हमने ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 2 × 8⁻¹। 1 क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं इसलिए, प्लस 5 × 8⁰⁰, और हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 + 5, तो ये टोटल आंसर बन गया 21 हमारी जो है वो डेसिमल वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इज़ ये इस तरह से मैंने ये एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी कि ये दूसरा मेथड है
कि डेसिमल को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम एलसीएम लेते हैं इस तरह से, और जो रिमाइंडर्स आते हैं वो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, डेसिमल टू बाइनरी इस तरह से कन्वर्जन होती है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स आप लेके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये शॉर्टकट मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी से अगर हमने ऑक्टल में जाना हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ थ्री बाइनरी डिजिट्स टू वन ऑक्टल डिजिट, यानी कि बाइनरी नंबर है, अब इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल में जाने के लिए। सबसे पहले हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल में, और डेसिमल से फिर हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डेसिमल बनाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम एलसीएम लेंगे, यानी कि कोई भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर है 21 तो हमने 8 के साथ एलसीएम लेना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 25। 25 जो है वो ऑक्टल वैल्यू आ गई हमारे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी, अब हमने ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी कन्वर्जन भी हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू अ थ्री डिजिट बाइनरी नंबर्स, यानी कि हमने उसको 3-3 डिवाइड कर लेना है, यानी कि जैसे 3-3 बिट्स जो होती हैं उनमें डिवाइड कर लेना है, और इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी। सबसे पहले हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और देन हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्जन होगी इसके अंदर। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, वही बात जो पहले भी मैंने बताई थी कि बाइनरी से अगर हमने ऑक्टल में जाना हो तो भी हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है और देन हमने ऑक्टल में जाना होता है। इस तरह ही पहले हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, 21 आंसर आया, और फिर 21 का एलसीएम लिया हमने 2 के साथ, क्योंकि हमने बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना था, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10101, और ये हमारा बाइनरी में आंसर आ गया। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अगर बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जाना हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ फोर, यानी कि 4-4 बिट्स जो हैं उसके अंदर हमें डिवाइड करना चाहिए सबसे पहले, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो। कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ फोर बाइनरी डिजिट्स टू वन हेक्साडेसिमल सिंबल, यानी कि एक जो हेक्साडेसिमल सिंबल है उसको हमने 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर 1 है तो 1 से पहले हमें 3 जीरोज ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि उनको 4 बिट्स बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये इस तरह से मेथड है, यानी कि ये ओरिजिनल बाइनरी नंबर है और उसको हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले कि हमने उसके 4-4 पार्ट्स कर दिए, और उसके बाद हमने देखा कि एक 6 ये किसकी वैल्यू बन रही है 110, और ये 1110 ये किसकी वैल्यू बन रही है, और इस तरह से हमने वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से उसकी ग्रुपिंग करके बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया वैल्यू को, और बस वैल्यू आ गई है 6e। ये वैल्यू टोटल जो वैल्यू थी उसकी ये वैल्यू बन गई है 6e। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें वही बात 4 डिजिट्स चाहिए होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है वो इजीली आ जाएगा, 4-4 बिट्स जो हमको सेपरेट करना होगा हमने, इस तरह से होगा। यानी कि अगर कोई भी एग्जांपल आ जाए जैसे कि A8 आ जाए या A9 आ जाए, इस तरह से अगर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और A जो है वो उसकी वैल्यू आपको पता है कि 10 होती है, बी की वैल्यू 11 होती है, और इस तरह से ए की वैल्यू 10 होती है, तो हमने क्या किया कि 10 यानी कि 4 बिट्स हमें चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 बिट्स ले लिए, और 9 की वैल्यू होती है हमारे पास 1001, ये 9 की वैल्यू होती है। अगर हम एलसीएम भी लेके देखें तो वैल्यू यही बनती है, इन सब का अगर हम एलसीएम भी लें तो हमारे पास ये 4 बिट वैल्यू ईजिली आ जाती है। टुडे माई लेक्चर इज एंड। Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.